सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ टूल्स के बारे में, यानी कि सीएनसी टर्निंग मशीन में यूज होने वाले टूल्स के बारे में। कौन सा टूल कहाँ पर यूज होता है, किस टाइप का टूल है, लेफ्ट हैंड कट है, राइट हैंड कट है, न्यूट्रल टूल है, और हम इस टूल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बोरिंग बार कैसी होती है, आपका ग्रूविंग टूल कैसा होता है, टेपिंग कैसा होता है, यू ड्रिल कैसा होता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके कि जवाब स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते हैं कि इसके ऊपर भी हमें एक वीडियो बनानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये वीडियो के अंदर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टाइप ऑफ टूल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, एक तो जो टूल है एक इस तरफ इंसर्ट जा रही है, इंसर्ट जो है आपकी इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब इसमें से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड टूल है, राइट हैंड टूल है। देखिए, जब भी हम टूल को आइडेंटिफाई करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। आप कभी भी टूल को पकड़िए, आप टूल की टिप को अपने सामने करिए, ठीक है। जब आपकी टूल की टिप आपके सामने होगी तब जो है आपको ध्यान रखना है कि आपका राइट हैंड टूल की तरफ अगर टिप जा रही है तो जो है आपका टूल जो है राइट हैंड कट है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यही टूल की टिप जब आपके सामने आती है और ये लेफ्ट हैंड की साइड जा रही है, इसका जो मूवमेंट है, इसका जो झुकाव है, अगर लेफ्ट हैंड टूल की तरफ जा रहा है तो ये लेफ्ट हैंड कटिंग टूल है। आपको सिर्फ ऐसे पकड़ना है कि आपकी जो इंसर्ट की टिप है, कटिंग एज है, वो आपके सामने की तरफ होना चाहिए और आपको देखना है किस तरफ उसका जो है झुकाव है। जिस तरफ झुकाव है वो जो टिप है वही हैंड कटिंग टूल कहलाएगा, ठीक है। तो आपको जो है अगर टूल पकड़ना है आप देखिए ऐसे पकड़िए, ठीक है, और अपनी तरफ करिए। जो राइट हैंड की तरफ जाएगा वो राइट हैंड कटिंग टूल, जो लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा वो लेफ्ट हैंड कट टूल। इस तरीके से आप जो है टूल को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो है ये टूल कौन सा है, ठीक है। अब जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है न्यूट्रल टूल की। ये न्यूट्रल टूल जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यहाँ पर जो इंसर्ट का कटिंग एज है वो बिल्कुल आपके नाक की सीध में होगी, तो इससे आप इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई ये न्यूट्रल टूल है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि यहाँ पर जो है आप ओडी ग्रूविंग टूल या फिर जो है आप उसमें पार्टिंग टूल का आप जो है बताइए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओडी ग्रूविंग टूल की। तो देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, इस टूल को मैं ज़रा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस टूल को आप जब देखेंगे ये आपका जो टूल है ये कहलाएगा आपका ओडी ग्रूविंग टूल, ठीक है। इसको आप बड़े आराम से देखिए, ये आपका जो है आउटर डाया पर अगर आपको ग्रूव बनाना है तो आप जो है इस टाइप का टूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो इंसर्ट लगी हुई है ये ओडी ग्रूविंग इंसर्ट लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है, यहाँ पर मैं आपको जो है नेक्स्ट टूल दिखा रहा हूँ, ये जो टूल है ये आपका जो है आईडी ग्रूविंग के, ठीक है। इसका जो यूज़ है बेसिकली इसका यूज़ हम करते हैं इंटरनल डाया, यानी आईडी में जो अगर हमें ग्रूव करना है तो हम जो है ये वाला टूल यूज़ करेंगे। इस टिप से जो है हम आईडी में ग्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों ही टूल में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ये आपका ओडी में है और ये आपका आईडी में है, ठीक है, ये आईडी और ये ओडी टूल है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा थ्रेडिंग टूल, ठीक है। यहाँ पर देखिए थ्रेडिंग इंसर्ट लगी हुई है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का जो टूल है हम इसको जो है थ्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा थ्रेडिंग टूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट को, आप जो है क्लोज व्यू में आप इसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है थ्रेडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आप अलग अलग थ्रेडिंग इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर मीट्रिक थ्रेड यूज़ करना है, एनपीटी थ्रेड यूज़ करना है तो वही थ्रेड इंसर्ट जो है आप इस टाइप के टूल होल्डर पर लगाएंगे, आप जो है इसको थ्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी जो है हमारा थ्रेडिंग का टूल है, ये जो है
आईडी में अगर आपको थ्रेड बनानी है तो जो है आप इस टाइप का जो टूल होल्डर है ये यूज़ कर सकते हैं। आईडी में आपको थ्रेड करनी है तो आप जो है इस टाइप का थ्रेडिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये भी थ्रेडिंग का टूल है, यहाँ पर भी जो है हम अलग अलग इंसर्ट्स को यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा आईडी बोरिंग बार। ठीक है, इंटरनल डाया में अगर हमें बोर बनाना है या फिर हमें जो है जॉज में कट लगाने हैं तब जो है हम इस टाइप का जो टूल होल्डर है ये यूज़ करते हैं। ये होल को बड़ा करने के लिए जो है इस होल्डर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी जो इंसर्ट है इसमें जो है कटिंग एज आपका दिया हुआ है, इस कटिंग एज की मदद से जो है हम बोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा टैपिंग टूल। यहाँ पर जो है ये हमारी स्लीव हो जाती है, ये हमारा टेप है, इसको जो है हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें स्क्रू लगते हैं, इन स्क्रू से हम जो है इस टेप को टाइट करते हैं और उसके बाद जो है इसको हम सीएनसी टर्निंग के टूल टरेट में जो है स्लीव को लगा देते हैं, उसकी मदद से जो है हम टैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा जो है टैपिंग टूल है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं क्लोज व्यू में। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो टूल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है, इस टूल को बोलते हैं यू ड्रिल। जब हमें लगता है कि हमें ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है और जल्दी से रिमूव करना है, रफ कट लगाना है, तो जो है हम इस टाइप के यू ड्रिल का यूज़ करते हैं। इसमें देखिए ग्रूव जो होते हैं ये ग्रूव काफ़ी बड़े होते हैं जिनकी मदद से जो है बड़े से बड़ा होल भी हम इजीली कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी जो है हम ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आपको जो है एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको बोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है आप यू ड्रिल लगाइए और आपका जो है बहुत बड़ा होल जो है आपका बन जाएगा, इससे कि आप इजीली जो है कम साइकिल टाइम में एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव कर पाएंगे। इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके साथ में ये स्लीव होती है जो सीएनसी टर्निंग में जो ड्रिलिंग का पॉकेट होता है उसमें जो है हम ये स्लीव फिट कर देते हैं और उसके बाद जो है हम इसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा जो है यू ड्रिल है। यू ड्रिल जो है आज की डेट में काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हमें बड़े होल्स बनाने होते हैं, कम साइकिल टाइम चाहिए होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करना होता है, तो हम जो है यू ड्रिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा यू ड्रिल है, इसके बारे में भी आपको जो है मैंने कई बार वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये हमारा यू ड्रिल है। ठीक है, ये है हमारा ओडी नर्लिंग टूल, यानी आउटर डाया पे अगर हमें नर्लिंग करनी है, नर्लिंग ऑपरेशन करना है, तो जो है हम इस टूल की मदद से जो है नर्लिंग कर सकते हैं। इससे बेसिकली हमें जो है ग्रिप प्रोवाइड करनी होती है किसी भी कंपोनेंट के आउटर डाया सरफेस पर, तो जो है हम ये नर्लिंग टूल का यूज़ करते हैं। ये जो है व्हील होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है, इसको जो है हम प्रेस करते हैं कंपोनेंट के आउटर डाया पर और उसके ऊपर जो है ये इंडेंट बना देता है, जिसकी वजह से जो है हमें किसी भी कंपोनेंट के ऊपर ग्रिप बनानी है तो हम जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है नर्लिंग टूल। तो आपने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे टूल होल्डर्स जो है हम यूज़ करते हैं सीएनसी टर्निंग मशीन में, तो ये जो है टूल्स कॉमनली यूज़ होते हैं। और इससे रिलेटेड कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट में डाल सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।